नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर वन डे एग्जाम क्लासेस। देखिए, आज मैं जीएसटी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अभी आपने यूपीपी का पेपर देखा होगा तो इससे क्वेश्चन लगातार मिल रहे हैं और लोग इसको गलत करके चले आते हैं, जबकि जीएसटी इतना अच्छा टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और जीएसटी अगर आप आज का ये वीडियो देख लेते हैं तो जीएसटी कि आप सारे क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में सही करके आएंगे, इतना मतलब मैंने इसमें इतने क्वेश्चंस डाल दिए हैं। देखिए, इसके प्रारूप देने के बाद, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आ चुके हैं, जो आने की संभावना है, उन सभी को मैं लेकर आया हूँ इसमें। और आप देखेंगे कि आप लास्ट में देखेंगे आप जीएसटी के बारे में इतना कुछ जान जाएंगे। देखिए, कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो जानते हैं उनके लिए भी ये नए नए क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या है जीएसटी। देखिए, जीएसटी एक मूल्यवर्धित अप्रत्यक्ष कर बहुस्तरीय एवं गंतव्य आधारित कर है। देखिए, इसके एक एक लाइन और एक एक शब्द इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक आप ये वीडियो जरूर देखिए। देखिए, मूल्यवर्धित अप्रत्यक्ष बहुस्तरीय, इनमें से कोई एक शब्द आपको एग्जाम में मिल जाएगा कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो आप इन चारों शब्दों को याद रखिए। मूल्यवर्धित अप्रत्यक्ष बहुस्तरीय एवं गंतव्य आधारित कर है। देखिए, जीएसटी लगने से 17 अप्रत्यक्ष कर, सर्विस टैक्स, मनोरंजन कर, वैट 23, और देखिए ये इस प्रकार के जो कर लग रहे थे और 23 अधिभार जो लग रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। देखिए, आइए बात करते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं जो लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? देखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 1 जुलाई 2017। आप इसको इस प्रकार याद कर रख सकते हैं, जैसे आप विद्यालय जाते हैं 1 जुलाई से जाते हैं, वैसे ही आपका जो वस्तु एवं सेवा कर है वो 1 जुलाई से लागू हुआ है। देखिए, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश, देखिए जब जीएसटी की बात होगी तो विश्व का जरूर नाम आएगा, तो इसमें फ्रांस है आपका, 1954 में फ्रांस ने लागू किया था। देखिए, जो भारत ने जीएसटी लागू किया है वो फ्रांस के मॉडल पर नहीं किया है, उसको मैं आपको भी आगे बताऊंगा भारत ने अपने जीएसटी किस मॉडल पर लगाया है। देखिए, आइए बात करते हैं जो जीएसटी का सुझाव दिया था। देखिए, एक समिति होती है जो जीएसटी को सुझाव देती है, विजय केलकर समिति है। भारत में जीएसटी के लिए जो सुझाव दिया है वो विजय केलकर समिति ने दिया है। देखिए, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति, देखिए जिस प्रकार संविधान का प्रारूप तैयार होता है उसी प्रकार किसी भी मतलब जीएसटी का बिल, जीएसटी भी उसी प्रकार तैयार हुआ है, इसलिए असीम दास गुप्ता जो हैं उन्होंने यह प्रारूप तैयार किया है। तो ये देख सकते हैं आप कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो आप लगातार बने रहिए मेरे साथ में। जीएसटी के लिए किया गया जो संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन है, 101 संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया है। देखिए, जो अधिनियम लाए जाते हैं उनमें से कुछ पास होते हैं, कुछ नहीं पास होते हैं, तो ये संविधान संशोधन 101वां हो गया है संविधान में। देखिए, जीएसटी परिषद में कुल जितने सदस्य कितने शामिल होते हैं, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, इसमें 23 सदस्य आपके शामिल होते हैं, जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या है। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद, अब देखिए संविधान संशोधन हुआ है तो उसमें अनुच्छेद भी पड़ेगा, 279 है, 79-80 का ए में है, 79 जिसे कहते हैं हम, तो इसमें अनुच्छेद का गठन कर दिया गया है। देखिए, आइए बात करते हैं अब जीएसटी का परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री इस समय अरुण जेटली हैं, अरुण जेटली तो इस समय बीमार चल रहे हैं, इस समय भार किसी और को दिया गया है। तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो नई दिल्ली होगा, तो जीएसटी परिषद का आपका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो इस प्रकार आपके 9 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आइए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। देखिए, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ये अमिताभ बच्चन आपके बनाए गए हैं, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर वो होता है जो जीएसटी के बारे में बताता है, सभी को बताता है, इसके माध्यम से लोगों को पता चलता है। देखिए, अमिताभ बच्चन एक हस्ती है ही हैं, तो इनसे लोगों को बहुत प्रभाव पड़ता है ब्रांड एम्बेसडर बनाने से। देखिए, भारत का जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है, जिसकी मैं बात कर रहा था किस मॉडल पर आधारित है, वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। देखिए, लिया गया है फ्रांस में सबसे पहले, लेकिन भारत ने कनाडा मॉडल को अपनी मंजूरी दी है। जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं, देखिए जीएसटी में जो सदस्य होते हैं, जो मैंने बताया आपको 33 सदस्य होते हैं, वो केंद्रीय राजस्व मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री से मिलकर ये जीएसटी परिषद गठित होती है। अब बात करते हैं, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और डेटों की, कि राज्यसभा में देखिए पहले बिल पास हुआ है कि लोकसभा में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि जीएसटी बिल राज्यसभा में पास किया गया है कि लोकसभा में। देखिए, जीएसटी बिल 3 अगस्त को पहले राज्यसभा में पास किया गया है, उसके बाद 8 अगस्त को लोकसभा में पास किया गया है। देखिए, संविधान में जब संशोधन किया जाता है तो पहले दोनों सदनों से पास होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा से, उसके बाद 50% राज्यों की विधानसभाओं से पास होना चाहिए। तो उसी क्रम में किस राज्य ने सर्वप्रथम जीएसटी को पारित किया है,
उसमें आपका असम आ जाता है। 12 अगस्त को इसने पास किया, 8 तारीख को देखिए लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद 12 अगस्त को राज्यसभा में उसमें असम में पास हुआ है। तो प्रथम राज्य ये आया था यूपीपी के एग्जाम में कि किस राज्य ने जीएसटी को सर्वप्रथम, किस कौन सा राज्य जिसने पारित किया है। देखिए जीएसटी सबसे अंत में किस राज्य में लागू हुआ, देखिए जब तक लागू हुआ था 1 जुलाई को तो जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था, और 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर में सबसे अंत में ये लागू हुआ है। तो इसको आपको वैसे ही याद रहेगा क्योंकि ये विशेष राज्य है, तो इसमें कुछ विशेष तो होगा ही, क्योंकि 1 जुलाई में पास नहीं हुआ, इसका 6 जुलाई में पास हुआ है। अब देखिए जीएसटी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि राज्यसभा और लोकसभा, उसके बाद राज्यों की 50% विधानसभाओं की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति जब तक अपने सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक कोई बिल पास नहीं होता है, और संविधान में संशोधन नहीं होता, आर्टिकल नहीं बनता है। इसके लिए राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दे दी, तो राष्ट्रपति की मंजूरी देने से ये अधिनियम बन गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या है, तो कुल कितने अंक होते हैं, देखिए कोई भी आप देखेंगे, आधार नंबर देखेंगे, पैन कार्ड देखेंगे, अपना एटीएम नंबर देखेंगे, तो उनमें अंकों की संख्या होती है, कार्ड नंबर जिसे कहते हैं। तो जीएसटी पंजीकरण की जो संख्या है आपकी 15 अंकों की है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। जीएसटी की दरें की बात करते हैं, जीएसटी की देखिए 5 दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। देखिए पहले जीएसटी आपका जीएसटी नहीं था जब तक, तो 30%, 40% टैक्स लगता था, अब मैक्सिमम आपका 28% लग सकता है टैक्स। तो ये दरें आपकी 5 दरें हैं। और अभी आपको बता दें कि आप देखिए, मान लीजिए कोई गाड़ी लेता है, लग्जरी कार लेता है, तो उसमें 28% कर बहुत कम होता है, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, 28% कर तो लगाती है, उसके बाद सेस लगा देती है। सेस से क्या होता है, सरकार को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि यह आम आदमी तो कार और महंगी महंगी गाड़ियाँ ले नहीं सकता है, तो इसलिए जो खास आदमी है उनसे ये टैक्स वसूला जाता है। देखिए जीएसटी के प्रकार कितने हैं, जीएसटी 3 प्रकार की होती है, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी। देखिए सेंट्रल होता है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, राज्य कर और ये जो एकीकृत कर इसे कहते हैं आई जीएसटी को। देखिए राज्य कर में राज्य लेगा ये जीएसटी का कर, और केंद्र में केंद्र लेगा, आई जीएसटी में दोनों लोग मिलकर कर का बंटवारा करते हैं। देखिए आइए बात करते हैं वे वस्तुएं जो कर के जीएसटी के बाहर रखी गई हैं। अब जीएसटी से अगर बाहर रखेंगे तो वो शराब है, पेट्रोलियम है, शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए शराब से इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, पेट्रोलियम से इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, अगर इनको जीएसटी के अंदर रख देंगे तो सिर्फ 28% टैक्स पा पाएंगे इसमें, तो इसलिए इनको बाहर रख दिया गया है कि हम इसमें से टैक्स अत्यधिक वसूला जाए इनसे। देखिए वार्षिक टर्नओवर की वह सीमा जिसके ऊपर कारोबारी जीएसटी का पंजीकरण भुगतान करना होगा। देखिए जीएसटी कोई छोटे कारोबारी के ऊपर नहीं लगता है, जिसका टर्नओवर 20 लाख होगा वर्ष में, अर्थात आयात निर्यात कुल मिलाकर के उसको जितना 20 लाख रुपए मिलेगा उसके ऊपर ये जीएसटी लगेगा, ना कि छोटे लोगों के ऊपर। विशेष राज्यों में 10 लाख हैं। देखिए जीएसटी को जो नुकसान होगा, क्योंकि जीएसटी के लिए सभी राज्य तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पहले ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था अप्रत्यक्ष कर से, तो जीएसटी लग जाने से 28% में सीमित हो गई है। तो राज्यों को कहा गया है कि अगर आप जीएसटी से होने वाले नुकसान आपको होगा तो केंद्र और की उसकी जो भरपाई 5 सालों तक करेगा, 100% उसकी भरपाई 5 सालों तक करेगा, और जीएसटी चोरी करने वाले की सज़ा देखिए 5 वर्ष है, तो 5-5 साल दोनों हैं। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में जो बढ़ोतरी है वो 2% की होने का अनुमान है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह जानकारी और मेहनत करता रहता हूं। तो आप भी मेरे साथ, केवल आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको टेलीग्राम चैनल पे मेरे इसको आप पीडीएफ रूप में चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल के मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा होगा, तो आप इसके सभी क्वेश्चन सही कर देंगे। तो लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।